नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष पांडे और माई उपचार पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थायराइड की बीमारी हमारे खराब लाइफस्टाइल या खान पान की वजह से आज के समय में बहुत सामान्य बीमारी हो गई है और महिलाओं में तो थायराइड की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन क्या थायराइड की वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल एक्टिविटी पे भी प्रभाव पड़ सकता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लंबे समय से अनकंट्रोल्ड थायराइड हार्मोन्स का शरीर में बढ़ा रहना पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी कर सकता है, जिसकी वजह से पुरुषों को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सुख या अनुभव प्राप्त होता है वो नहीं देखने को मिलता है। पुरुषों में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से लिंग से वीर्य का देरी से गिरना, जिसे हम डिलेड इजैकुलेशन कहते हैं, ये समस्या उत्पन्न होती है। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म में लिंग से वीर्य का जल्दी गिरना, जिसे हम अर्ली इजैकुलेशन कहते हैं, ये समस्या होती है। यदि किसी महिला या पुरुष को लंबे समय से अनकंट्रोल्ड थायराइड की समस्या है तो उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तनाव, सुस्तपन, सेक्सुअल इच्छा में कमी होती है। अनकंट्रोल्ड थायराइड की वजह से महिलाओं में नींद की कमी या सेक्सुअल इंटरकोर्स में चरम सुख पाने की कमी देखने को मिलती है। वहीं पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या स्तंभन दोष की समस्या होती है। महिलाओं में सेक्स के चार चरण होते हैं, जिसमें पहला कामेक्षा, दूसरा प्राइवेट पार्ट में गीलापन, तीसरा योनि के अंदर लिंग का प्रवेश करना और चौथा चरम सुख का अनुभव करना होता है। इनमें से किसी भी प्रक्रिया के दौरान अगर महिला को दिक्कत होती है तो इसका कारण अनकंट्रोल्ड थायराइड होता है। तो अगर आपको अपने सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल जीवन को खुशहाल रखना है तो अपने थायराइड लेवल्स को कंट्रोल करें और अपने खान पान का ध्यान रखें, सही समय पे दवा लें और अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप लेते रहें, जिससे ये बीमारी की वजह से ऐसी दिक्कतें ना देखने को मिले। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।